सोएगा so, hey क्या आप भी बनाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर और इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं यानी ऑनलाइन किस तरह आप टेस्ट दे सकते हैं यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में कुछ इस तरह आप बना सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर और उसके बाद उसकी लिंक आपके स्टूडेंट को सेंड करना है उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर देगा उसके बाद उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है उसको भी देखने को मिल जाएगा तो इससे आपका काम हो जाएगा और इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको इस स्टूडेंट से एग्जाम लेने से पीछे रहना नहीं पड़ेगा तो आपको ले सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से तो देखते रहे वीडियो को मैं हम आप देख रहे हमेशा की तरह टेक् जाते जाओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी तरीके तो so गाइज़ हम बनाएंगे अपना टेस्ट पेपर अपने लैपटॉप पे अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने फ़ोन पे भी इसे बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं तो आपको सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र पे वहाँ जाने के बाद आपको टैक्स बुस डॉट कॉम पर जाना है वहाँ इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लियर है आप इसे बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ बिरला टेस्ट पर आपको क्लिक कर देना उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ डाल दीजिए तो मैं यहाँ डाल और इसके बाद नीचे जो आपको पासवर्ड डालने का इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आगे भी वो बहुत ज़्यादा काम आएगा तो इसे याद रखिएगा उसके बाद डालने के बाद आपको सिंपली करेटा टेस्ट पे आपको आगे बढ़ जाना है क्लिक तो अब हम आ चुके हैं गाइज इसके डैशबोर्ड में तो यहाँ आपको सारी सेटिंग तो देखने, देखने को मिल जाती है लेकिन गाइज यहाँ आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो आपको पेड मिलते हैं यानी उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा लेकिन जो फ्री है हम उसका फायदा उठा लेंगे तो यहाँ आपको सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है तो यहाँ आपको सीधा एड अ क्वेश्चन में डैशबोर्ड में आपको यहाँ मिल जाता है तो यहाँ सीधा आपको क्लिक करने के बाद आपको जो क्वेश्चन डालना है आपको मैथ द पैर डालना है आपको या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर ट्रू फॉल्स हो या फिर मल्टीपल क्वेश्चन हो तो आप यहाँ उसके फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ मैं डालू गाइज मल्टीपल क्वेश्चन तो यहाँ आप जाके इसका फॉर्मेट या खुद ब खुद दे देता है आपको सिर्फ उसका ऑप्शन डालना है उसका क्वेश्चन डालना उसके बाद आपको सिंपली बना देगा ये तो यहाँ मैं डाल चुका हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा हूँ क्वेश्चन और इसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ और बाकी सब जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आप डाल सकते हैं और उसके बाद इसे पब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ आपको जैसे ये मिल गया और भी गाइज़ जैसे आपको टू फोर्स है तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है तो यहाँ मैं इंसर्ट पर सीधा क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ जो फॉर्मेट वो आपको यहाँ मिल जाता है तो यहाँ टू फोर्स हो गया उसके कोश्चन को डालने के बाद ये फॉर्मेट मुझे दे देता है उसके बाद गाइज मुझे अगर ऐसे चाहिए तो मुझे ऐसे भी यहाँ ये दे देता है ऐसे मुझे क्वेश्चन डालना है उसका आंसर बॉक्स में मुझे मिल जाएगा और ये द पैच जो भी है आपको ये भी मिल जाता है तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह ये बना के दे चुका है मुझे फॉर्मेट इसके बाद जो इंसर्ट में जाने के बाद मुझे ऐसे क्लिक करना है उसके बाद ये बॉक्स में मुझे स्टूडेंट जो मुझे आंसर देंगे वो मुझे इसमें मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छा है गाइस किसी भी टीचर सर के लिए जिससे ये ऑनलाइन टेस्ट ले सकता है तो यहाँ बहुत से ऐसे ऑप्शन जैसे मैंने कहा था कि पेड है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे लेकिन इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी है क्वेश्चन के लिए आप ऐसे दे सकते हैं उसमें आप आंसर लिख के ले सकते हैं स्टूडेंट से तो इसके तो आपको सबसे ज़रूरी काम इसमें करना है आप आपने जो भी क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर पे आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आपको रिजल्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा यानी कितना उसने गलत किया कितना सही किया आपको यहाँ सब देखने को मिल जाएगा तो यहाँ आपको साइड में गाइज मार्क्स भी आप सेट कर सकते हैं आप इस इस क्वेश्चन का कितना मार्क्स आप देना चाहते हैं वो भी आप इधर लिख सकते हैं यानी पूरा क्वेश्चन पेपर गाइज़ ये हो जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे किसी भी भेज सकते हैं इसकी लिंक के ज़रिए तो यहाँ मेरा ये क्वेश्चन पेपर बन चुका है और इसे मैं सेंड करने के लिए तैयार हूँ यहाँ आपको साइड में पब्लिश का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको वहाँ सिंपली क्लिक कर देना उसके बाद गाइज यहाँ यहाँ आपको दिखा रहा है कि यहाँ टी है और आप रेडी हैं पब्लिश करने के लिए तो आपको डायरेक्ट उसके बाद यहाँ आपको लिंक मिल जाती है इसे आप कहीं भी सेव कर लीजिए क्योंकि यही है इसका मेन फंडा तो आप इसे सेव कर लीजिए कहीं भी उसके बाद यही लिंक को आपको सेंड करना है स्टूडेंट को कि आप इसमें जाकर इसमें एग्जाम आप दे सकते हैं तो इसे मैंने सेव कर लिया इसके बाद आप सेटिंग में जाके थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या होगा क्वेश्चन के टाइमिंग क्या होगा क्वेश्चन को कितनी बार टाइम कर सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर देने के बाद आपको क्या लिख के आएगा तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ सब कुछ आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से यानी सब क्वेश्चन अटैम्प करना जरूरी है और भी जो कुछ होता है क्वेश्चन पेपर में यहाँ जाके आप उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं कितने मिनट का होगा या फिर कितने घंटे का होगा तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ और आप यहाँ एक स्टूडेंट एक पेपर को कितनी बार अटैम्प कर सकता है ये भी आप यहाँ डाल सकते हैं तो अब मेरी सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और ये पब्लिश हो चुका है तो अब हमको सिंपली जाना है गाइज उस लिंक पर जो मैंने आपको दी थी वही आपको अपने सारे स्टूडेंट को सेंड कर देना है उसके बाद जब वो लिंक अपने ब्राउज़र में डालेंगे और उसके बाद उसे सर्च करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा तो मैंने न्यू टैब में इसका लिंक को पेज कर दिया उसके बाद मैं इसे इंटर करूँगा तो तो यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आप स्टूडेंट हैं या फिर आपने ये पेपर बनाया है तो यहाँ मैं लाइक एक स्टूडेंट तो यहाँ मैं जाऊँगा स्टूडेंट के साथ अपना नाम डाल कर तो इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा अपने पेपर को तो यहाँ सारे ऑप्शन जो मैंने बनाए थे यानी एक सर ने बनाया है और स्टूडेंट जब जिसे देखेगा तो ये उसे दिखेगा यानी क्वेश्चन कौन से तो उसे आप करेगा उसका आंसर देगा और जो भी उसका आंसर रहेगा वो उसके बाद लिखने के बाद उसे सबमिट कर देगा तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज़ कि इसका जो टाइमिंग भी चालू है कितने मिनट मैंने दिया था तो एक सर ने शायद इसे पंद्रह मिनट दिया होगा या जितना भी आप देख सकते हैं तो मैंने पंद्रह दिया था इसलिए इनसे टाइमिंग चालू है तो उसका जो भी आंसर है गायज उसे लिखने के बाद उसे सबमिट करेगा तो उसे खुद ब खुद उसे पता चल जाएगा कि कितना आंसर उसने राइट दिया है और कितना गलत दिया है तो यहाँ मैं सबमिट कर चुका उसके बाद ये खुद ब खुद बता देगा कि आपने कितना आंसर सही दिया है और गलत दिया है तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको ये ख़ुद ब खुद आंसर दे देगा जो भी स्टूडेंट है उसके बाद ये लॉग आउट करके जब जाएगा लेकिन अगर आप एक सर के तरीके से देखें तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है तो आपको उस पर क्लिक करना है और स्टार्टिंग में जो आपने पासवर्ड डाला था गाइज उसे आपको यहाँ डालना है और उसके बाद आपको ये सारा इंटरफेस कितने लोग ने इसे अटैम किया है आपके एग्जाम को और कितने लोग ने सही जवाब दिया कितने लोग ने गलत दिया जो भी रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है आपको बनाना नहीं पड़ेगा ये खुद ब खुद उसे दे देता है तो यहाँ देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट ने इसे किया है उसका नाम आ जाएगा उसका जितना सही गलत आपको सब मिल जाता है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके का एक टेस्ट लेने का इस लॉकडाउन के पीरियड में तो आप भी इसे बना सकते हैं और इसे इसकी लिंक सैन कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये